अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम काइनेटिक्स में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर बात करेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये रिएक्शन के बिहेवियर को हाईलाइट करता है। जितने भी गैसेस या लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो आपस में टकराते हैं एक स्पेसिफिक एनर्जी और एक स्पेसिफिक कोलिजन के साथ, तो केमिकल रिएक्शन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन ही आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी करे। तो सिर्फ आपके पास केमिकल रिएक्शंस वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का सबब बनते हैं जिनमें ख़ास कोलियन के साथ, ख़ास एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तब ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स जो बनना शुरू हो जाते हैं। और जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है रिक्वायर होती है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो एक्टिवेटेड स्टेट हासिल कर लें तो जाकर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं, तो जाकर वो आपके पास बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये एक बेसिक फिनोमेना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स डोंट पास डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट, फर्दर दे बिफोर गोइंग इनटू द प्रोडक्ट दे एक्वायर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ मोर देन द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द सिस्टम। वो एनर्जी जो आपके पास, जिसमें एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होने से पहले एक स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट एनर्जी विच इज़ मोर देन द एवरेज एनर्जी एंड इज़ जस्ट सफिशेंट टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और मॉलिक्यूल जो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पोजेस करता है जिस पॉइंट पर, उसे हम उस मॉलिक्यूल की एक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं। यानी इस पूरी बात का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, उससे पहले वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जिसे एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, जो तभी मुमकिन है जब मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी हासिल कर ले जो एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो, तो उसे हम एक्टिवेटेड मानते हैं। लेट्स सपोज़ अगर हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखें जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो रिएक्टेंट्स हमेशा हाई एवरेज एनर्जी रखेंगे प्रोडक्ट्स की निस्बत। और अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो उसमें आपको प्रोडक्ट्स की एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट से कम मिल रहा है, इसीलिए हम रिएक्शन को एक्सोथर्मिक ले रहे हैं। और बट बिफोर रिएक्टेंट्स हैव टू अटेन द एक्टिवेटेड स्टेट बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लिया जा रहा है और उसे पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट प्लॉट किया जा रहा है ऑन वाई एक्सिस। तो ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं, एनर्जी के हवाले से ये हायर लेवल पर हैं, और सी और डी जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप उनकी एनर्जी का कंपैरिजन ए और बी से करें तो कम एनर्जी पर हैं। यानी रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पर हैं और प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पर हैं। लेकिन इस ए बी का बी सी डी में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, उससे पहले आप एक माउंटेन हिल देख रहे हैं जिसकी टॉप स्टेज हमें एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करके बता रही है। यानी अगर ए और बी रिएक्टेंट्स के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी है जिसे आप एनर्जी वन ले रहे हैं, तो जाकर वो इस एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंचेगा और फर्दर जाकर प्रोडक्ट बनाएगा। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, इस हिल को क्रॉस करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें हम E1 जो लेते हैं वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और इसी तरह E2 अगर हम लें तो वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड है। यानी अगर सी ओ डी को वापस ए और बी में कन्वर्ट होना है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो है लेकर E2 की फॉर्म में वो ए बी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जो E2 और E1 का डिफरेंस है, ये आपके पास डेल्टा H है, ये हमें एक्सो थर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जितना एनर्जी बैरियर आपके पास बढ़ेगा, उतना जो है कम चांस होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बने, कन्वर्ट हो। और अगर एनर्जी बैरियर कम होगा तो रिएक्टेंट्स ईजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच कंट्रोल्स द रिएक्शन रेट। यानी रिएक्शन रेट का सारा इनसार बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर होता है। कम हो तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ज़्यादा हो तो चांसेस कम हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन अ सिस्टम, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं फेवरेबल कोलियन की वजह से। कोलियंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक फेवरेबल कोलियन। फेवरेबल कोलियन हम उसे मानते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स टकराएं और उनके तसादुम के नतीजे में प्रोडक्ट बन सके और वो एक्टिवेटेड हों। और अगर आपके पास ऐसा नहीं हो रहा, टकराने के बाद आपके पास वो एक्टिवेशन स्टेट तक नहीं पहुंच पाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो डीएक्टिवेटेड
मॉलिक्यूल्स हैं और अनफेवरेबल कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन ही आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का सबब बनती है। आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस करते हैं पर सेकेंड में, नंबर ऑफ कोलियंस, सो उनमें एक्टिवेटेड भी होते हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जितने एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिवेटेड स्टेट एक्वायर कर लेते हैं, उनका चांस होता है कि वो डिकम्पोज हो अर्ली देन द डीएक्टिवेटेड वन और रिमेन एज अ रिएक्टेंट। सो ये आप बिहेवियर देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से और कोलियंस के हवाले से, जो है आपस में मॉलिक्यूल्स का तसादम होता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पर क्या इफेक्ट है, बहुत गहरा इफेक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, कम होगी तो कम होगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर के बारे में कंसिडर किया जाता है कि इट मे बी टेकन एज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन रेट बढ़ता है, लेकिन ऑर्डर को ये चेंज नहीं करता टेम्परेचर, जस्ट इट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। सो और ये फिनोमेना गैशियस और लिक्विड फेस रिएक्शन दोनों में देखा गया है। लेट्स सपोज के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपके पास बनती है। इसमें यह देखा गया है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट डिक्रीज करता है, दिस इज़ द एक्सेप्शनल बिहेवियर। अदरवाइज जितने भी आपके पास केसेस हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट इंक्रीज करता है। अब टेम्परेचर कॉफिशेंट एक टर्म है जो हम इस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से देखते हैं। एक रूल है जिसके मुताबिक हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, यानी टेम्परेचर का और रिएक्शन रेट का डायरेक्ट रिलेशन है, और हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रिएक्शन रेट। सो जो रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स हैं ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स वो 10 डिग्री से डिफर करती है, और इस रेशो को, इस रेट कॉन्स्टेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेम्परेचर कॉफिशेंट कहते हैं। सो टेम्परेचर कॉफिशेंट K35/K25 नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें अगर 10 ऐड कर दें तो K35 बन जाएगा। अब दो रेट कॉन्स्टेंट्स को जो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम ले रहे हैं और 10 डिग्री का फ़र्क है, अगर आप उसको सेल्सियस में ले जाएँ तो ये केल्विन में ले जाएँ तो उसमें 273 ऐड करके आपके पास ऊपर 308 और नीचे 298 बनेगा, तो इसकी रेशो आपको 2 से 3 के दरमियान मिलेगी। दिस इज़ दी टेम्परेचर कॉफिशेंट एट टू वेरियस टेम्परेचर्स। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पर और आरहेनियस इक्वेशन पर किस तरह से ये रोल प्ले करता है। 1889 में आरहेनियस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व के रिएक्शन रेट, जो रेट कॉन्स्टेंट होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है, और उसने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी बताया जो हमें रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देता है। दैट इज नेचुरल लॉ के इज इक्वल टू ए प्राइम माइनस बी ओवर टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया गया, जिसमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं और ये आपके पास नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कॉन्स्टेंट भी उसके लिहाज से इंक्रीज करेगा, और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स आपके पास प्लस सी है। x यहाँ पर आपके पास इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर होगा जो हम x एक्सिस पर लेंगे, और log ऑफ k y एक्सिस पर लेंगे। तो जब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन नेगेटिव स्लोप मिलती है क्योंकि आपको यहाँ माइनस का साइन नज़र आ रहा है, जो आपके पास m x प्लस माइनस सी होगा। तो माइनस सी का मतलब है कि नेगेटिव स्लोप है। तो आप ये ग्राफ देख रहे हैं इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर ऑन x एक्सिस एंड नेचुरल लॉग ऑफ k ऑन y एक्सिस, और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो नेगेटिव स्लोप बना रही है, और ये पॉइंट आपको स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू देगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर स्लोप है, और स्लोप हमारे पास किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दैट इज इक्वल टू बी हेयर। सो ये जो इंटरसेप्ट का पॉइंट है ओरिजिन से, ये ए प्राइम के इक्वल है, और जब आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये हमें यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ बी कैसे मिलेगी, वो आप स्लोप से निकालेंगे और वैल्यू ऑफ ए आपको इंटरसेप्ट से हासिल होगी। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि लॉग की फॉर्म में है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 का एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेते हैं तो ये के एज इट इज़ आ जाता है, और दूसरी तरफ ई की पावर आ जाती है पूरे फैक्टर के साथ, ए प्राइम माइनस बी ओवर टी। सो इसको आप सेपरेट करें तो के इज इक्वल टू ई की पावर ए प्राइम और मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस बी ओवर टी। जो e की पावर a प्राइम है वो कैपिटल A की इक्वल होती है, तो इसको रिप्लेस करके आप कैपिटल A लिखेंगे और साथ e माइनस बी ओवर टी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 दिस इज कॉल्ड एंड इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आरहेनियस इक्वेशन। सो ऊपर वाली भी आरहेनियस इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आरहेनियस इक्वेशन की,
इसमें भी अगर आप देखें द फैक्टर जो बी है उसको अगर आप रिप्लेस कर दें एक्टिवेशन एनर्जी से तो दैट इज़ आल्सो द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ आरहेनियस इक्वेशन। इसे हम एक सेकेंड केस ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ आरहेनियस इक्वेशन कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर टू में बी को रिप्लेस कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी के साथ और ये जो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल टर्म ये कहलाती है बोल्ट्जमैन फैक्टर और इट्स वैल्यू इज़ कंट्रोल्ड बाय द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड टेम्परेचर। दो फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन है जिस पर ये वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर है और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी है। इस इक्वेशन नंबर थ्री को हम फाइनली आरहेनियस इक्वेशन कहते हैं और दोनों ए का फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी का फैक्टर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है एंड दे आर डिटर्मिंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जिस तरह की होगी उस पर इनका फैक्टर डिपेंड करेगा। तो ये दो फैक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा ये अहमियत के हामिल हैं और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस भी देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी एक्सप्रेशन को फर्दर यूज़ करके। हम लेंगे नेचुरल लॉग लेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो नेचुरल लॉग लेंगे जब दोनों तरफ तो नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। सो जब भी दो प्रोडक्ट का नेचुरल लॉग लिया जाता है तो उनको ऐड किया जाता है। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई माइनस ई ए ओवर आर टी और नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। अब ये जो एक्सपोनेंट आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी जो पावर है वो कॉफिशेंट बन जाएगी तो माइनस साइन के साथ यहाँ पर आएगी माइनस ई ए ओवर आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई वन के इक्वल होता है तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। अब थोड़ा इसे अरेंज करें तो नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी को पहले लिखें प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर फोर। एंड ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर आता है कि इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर को आप y एक्सिस पर ले रहे हैं और x एक्सिस पर आप y एक्सिस पर ले रहे हैं x एक्सिस पर इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर ले रहे हैं और y एक्सिस पर नेचुरल लॉग ऑफ k ले रहे हैं और यहाँ पर जो स्लोप हमें मिल रही है दैट इज़ टेन थीटा एंड दैट इज़ इक्वल टू ई ए ओवर आर और आपके पास जो इंटरसेप्ट है वो नेचुरल लॉग ऑफ ए है। तो ये तमाम फैक्टर्स आप इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बनाकर जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये अगेन एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, एक नेगेटिव स्लोप है और स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन स्लोप की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं और इंटरसेप्ट की मदद से हम आरहेनियस फैक्टर ए को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास नाइट्रोजन पेंटोक्साइड ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी डिकम्पोजिशन देखें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो इसकी वैल्यू को देखा गया फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिहाज से डिटरमिन किया गया डिफरेंट टेम्परेचर पर और ग्राफ प्लॉट किया तो आपको इस तरह की एक फैक्ट मिलता है जिसमें इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 50-5400 केल्विन। एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को अगर निकालना है आपने तो आप स्लोप से निकालेंगे। स्लोप किसके इक्वल है जी माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। सो इस वैल्यू को आप जब पुट करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को एक तरफ ले जाएं माइनस 5400 केल्विन आपने स्लोप की वैल्यू देखी है इस केस में डिकम्पोजिशन के तो उसके साथ आप 2.303 को उस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे और आर की वैल्यू 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गॉट द एक्टिवेशन एनर्जी 103.41 किलो जाउल पर मोल। पहले जाउल में है तो आपने इसे किलो जाउल में कन्वर्ट करना है। सो इस तरह हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं और ये स्लोप निकालने का तरीका होता है। कैलकुलेशन ऑफ आरहेनियस फैक्टर ए उसको आप इंटरसेप्ट के थ्रू निकालते हो कि नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटरसेप्ट है हमने जो भी ग्राफ में देखा हमने इक्वेशन में भी चेक किया इक्वेशन नंबर फोर में। अब इसका एंटी लॉग लें दोनों साइड्स पर तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा ए एंटी लॉग ऑफ इंटरसेप्ट तो 4.3 × 10⁻³ आ जाता है। इसके भी यूनिट सेम होते हैं जो रेट कॉन्स्टेंट के होते हैं स्पेसिफिक। और आरहेनियस इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की बात करें तो के आपके पास ये फैक्टर इसके इक्वल हो गया ए की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी और ई माइनस अभी आपने एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू निकाली थी इक्वेशन फोर में वो आप पुट करेंगे ओवर आर टी। तो इक्वेशन नंबर फाइव हमें बताती है कि जब हम टेम्परेचर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट दैट टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। टेम्परेचर एंड हाफ लाइफ पीरियड का अगर रिलेशन देखें तो एक सैम्पल प्रॉब्लम है 7.7। इन द आरहेनियस इक्वेशन फॉर अ सर्टन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए आर 4 × 10⁻³ पर सेकेंड एंड 98.6 किलो जॉल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 10 मिनट्स। आपको ए की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻³ पर सेकेंड
ईए की वैल्यू 98.6 किलो जौल पर मोल, टाइम आपको दिया गया हाफ लाइफ 10 मिनट्स है और आप उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करें, 60 से मल्टीप्लाई करें तो 600 सेकंड बनेगा। अरहेनियस इक्वेशन अभी आपने देखी है, इसका लॉग ले लेंगे नेचुरल लॉग तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा, और कॉमन लॉग लेंगे तो 2.303 एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा इसको कन्वर्ट करके। तो ये इक्वेशन वन आ चुकी है जिसमें आप तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन के पुट करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें हाफ लाइफ टाइम दिया गया है तो रेट कांस्टेंट क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो हम उसका एक्सप्रेशन पुट करेंगे 0.693 ओवर टी हाफ। टी हाफ हमें जो दी हुई है 600, वो हम पुट करके रेट कांस्टेंट निकालेंगे, देन तमाम फैक्टर्स को यहाँ पर पुट करने के बाद लॉग लेकर डिवाइड करने के बाद हमें ये टेम्परेचर मिल जाएगा। यानी हाफ लाइफ की मदद से भी आप रेट कांस्टेंट निकाल कर टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फ्रॉम टू टेम्परेचर्स, लेट अस सपोज कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और दो डिफरेंट पॉसिबल टेम्परेचर्स पर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास दो रेट कांस्टेंट हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और हमने ये नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए ओवर आर टी का एक्सप्रेशन अभी रिसेंटली देखा है। इस इक्वेशन को आप टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी नेचुरल लॉग ऑफ के ओवर डी टी, और दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए जो है क्योंकि आप टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट्स हैं, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, जब उसका नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये जीरो आ जाता है डिफरेंशिएट करने पर। सो माइनस आपके पास जब डिफरेंशिएट करेंगे आप इसे ई ए ओवर आर टी को आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा वन ओवर टी माइनस वन ओवर टी स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाता है वन ओवर टी। तो वन ओवर टी का जब आप लेते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो टी माइनस वन हो जाता है, और उसमें आप नॉर्मली अगर लें तो ये माइनस टी ओवर वन ओवर टी स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये सिंपल आपके पास ई ए ओवर आर टी स्क्वेयर बनेगा और माइनस की वजह से ये प्लस हो जाता है। सो ये एक्सप्रेशन सिक्स हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारे पास फॉर्म आ चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। और ये हमें बता रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें बिटवीन द लिमिट्स, तो सपोज करें कि टेम्परेचर T1 का रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है, तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें और टेम्परेचर को एक तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड पर, तो ये dT दूसरी तरफ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास। अब EA ओवर RT यहाँ पर कांस्टेंट है तो आपने बाकी चीज़ों को अलग कर लेना है, यानी EA ओवर RT को सेपरेट कर ले, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे क्योंकि K का इंटीग्रेशन यहाँ पर ले रहे हैं रेट कांस्टेंट, तो K1 ओवर ऊपर K2 आ जाएगा और यहाँ D नेचुरल लॉग ऑफ K, और दूसरी तरफ कांस्टेंट बाहर रखेंगे ई ए ओवर आर, और आपके पास अंदर टाइम आ जाएगा यानी डी टी ओवर टी स्क्वेयर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे टी वन और टी टू की रिस्पेक्ट से, तो आपके पास बड़ा सिंपल सा फॉर्म है कि आप इंटीग्रेशन जब करेंगे नेचुरल लॉग के की तो नीचे इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा और दोनों लिमिट्स आप ब्रैकेट के साथ स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ शो करेंगे। और दूसरी तरफ जो टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो ये टी स्क्वेयर है, ये ऊपर जाकर टी माइनस टू हो जाएगा और उस पर पावर रूल लगेगा, माइनस टू में प्लस वन माइनस टी माइनस वन हो जाएगा और नीचे माइनस टू प्लस वन माइनस वन बनेगा, जब आप इसे इन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस वन ओवर टी रहेगा, तो ये आपके पास टेम्परेचर की जो है डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है जो हमने ब्रैकेट्स स्क्वेयर ब्रैकेट्स के बाहर लिखी हुई है, यानी नेचुरल लॉग के में एक दफ़ा के टू पुट करना है और एक दफ़ा के वन और माइनस के साथ, इसी तरह दूसरे में भी यही काम करेंगे, माइनस वन ओवर टी एक दफ़ा टू पुट करेंगे फिर माइनस डिफरेंस का माइनस होगा और ये फिर माइनस वन ओवर टी का वन नोटेशन यूज़ होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इस वैल्यू को आप पहले लिखेंगे वन ओवर टी वन और माइनस वन ओवर टी टू बाद में आएगा। अब इसको आप ऐसे हम ले लें तो टी वन टी टू ऊपर आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। सो ये एक्सप्रेशन जब आप रीअरेंज करते हैं तो नेचुरल लॉग में के टू ऊपर और के वन नीचे एक ही दफ़ा नेचुरल लॉग आप मेंशन करेंगे और ये बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेवन है और जिसमें हम अगर हमारे पास दो टेम्परेचर्स हैं और दो रेट कांस्टेंट्स हैं डिफरेंट, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्टिवेशन एनर्जी को मालूम कर सकते हैं, विच इज़ इक्वेशन नंबर सेवन। इसी तरह सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 7.8 है जिसमें रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन बिकम फोर टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको दो टेम्परेचर्स के साथ एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को कहा गया है, तो यही एक्सप्रेशन यूटिलाइज होना है। बस करना क्या है आपने कि रेट कांस्टेंट फोर टाइम्स है व्हेन द टेम्परेचर चेंज, यानी के टू ओवर के वन का जो रेशो है पहले वन था तो वो फोर टाइम्स हुआ, तो इज इक्वल टू फोर टाइम्स बनेगा ये रेशो।
सो टेम्परेचर वन जो 20 दिया है उसमें आप 273 ऐड करके 293 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और टेम्परेचर टू को 40 में 273 ऐड करके इसे 313 केल्विन बनाएंगे। अब आपने ऊपर इक्वेशन 7 पढ़ी है, वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉग की सूरत में, और तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद रीअरेंज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी को सेपरेट आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 52.85 किलो जाउल पर मोल है। तो आप इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं एट टू टेम्परेचर्स। आर्हेनियस पैरामीटर फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक्टिवेशन एनर्जी का तो यूनिट हम किलो जूल पर मोल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ आर्हेनियस फैक्टर ए पर सेकंड है, और सेकंड ऑर्डर के लिए डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड है। तो ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारे इफेक्ट्स यूनिमोलिकुलर हैं, और इनमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में मिलेगी और आर्हेनियस फैक्टर सेकेंड में मिलेगा। इसी तरह आपके पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन हैं, इनकी एनर्जी किलो जूल पर मोल में मिलेगी और आर्हेनियस फैक्टर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड में मिलेगा। ये तमाम सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन हैं जो प्रीवियसली आपने एग्जांपल्स में भी देखे हुए हैं। सो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के साथ रेट कॉन्स्टेंट का इफेक्ट। हम ये जानते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन क्या इंक्रीज़ करता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और अगर आप वेरियस टेम्परेचर पर आप ग्राफ प्लॉट करें तो हम टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और रेट कांस्टेंट को वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आपने, ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है जो आपने लर्न आउट करना है, यानी डाइएज़ो कंपाउंड्स बेसिकली रैम्सबर्गर ने 1928 में इनका जो डाटा है और इनका ग्राफिकल बिहेवियर बताया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो उसके लिए ये आपने इफेक्ट याद रखना है कि ये आपके पास डाइएज़ो कंपाउंड है C3H7N2 C3H7, जिसमें N दो आ जाए तो ये आपके पास डाइएज़ो कंपाउंड होता है, और C6H14 प्लस नाइट्रोजन ये क्रिएट कर रहा है। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है, टूटता है, तो हेक्सेन और नाइट्रोजन बनाता है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिससे रैम्सबर्गर ने बताया 1928 के अंदर। फर्दर मिथाइल आयोडाइड और सोडियम एथोक्साइड का अगर रिएक्शन देखें तो 1889 में कॉनराड और हिच ने ये बेसिकली स्टडी किया इसका डाटा और बताया कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देता है, और फर्दर बनाता क्या है, सोडियम आयोडाइड और मिथाइल इथाइल ईथर। तो ये आपके पास, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पर राइज कर रहा है, रेट कॉन्स्टेंट का फैक्टर बढ़ा रहा है। थर्ड केस है जी एसिटिक एसिड का एथानोल मेथानोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन, जिसे विलियमसन ने और हिंशलवुड ने 1934 में स्टडी किया। इट्स वंस अगेन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, और ये बनाता क्या है, आपके पास डाइमिथाइल यानी मिथाइल एसिटेट और साथ वाटर बनाता है, और ये भी आपके पास केस शो ये शो करता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ एलिवेट कर रहा है, यानी रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज़ कर रहा है। सो ये इफेक्ट्स हैं कि टेम्परेचर के साथ रेट कॉन्स्टेंट का बढ़ना। फर्दर हम आर्हेनियस प्लॉट्स देखेंगे, जितने भी हमने तीनों केसेस अभी देखे उन्हीं के आर्हेनियस प्लॉट्स अगर हम देखें तो हम एक्स एक्सिस पर, अब पहले तो हम टेम्परेचर ले रहे थे, जब हम आर्हेनियस प्लॉट्स लेंगे तो जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, और रेट कॉन्स्टेंट का लॉग हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, और वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट से हम और कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम निकालेंगे। सो ये जनरली आपने हर एक केस के लिए अपना अपना एक फैक्टर होता है, जैसे कि डाइएज़ो कंपाउंड की डिकम्पोजिशन के लिए जो हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है वो 13.75 मिल रहा है, और स्लोप 8970 मिल रही है। आपने पीछे देखा कि किस तरह आपने डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड के केस में स्लोप और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की थी, तो हर एक की एक डिफरेंट वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट कंपाउंड। इस तरह मिथाइल आयोडाइड और सोडियम एथोक्साइड की स्लोप 4200 है और इंटरसेप्ट आ रहा है 10.82, और ये आप देख सकते हैं ये इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर और लॉग केक के दरमियान अब ग्राफ है। और इसी तरह आपके पास थर्ड जो है, जो विलियमसन ने और हिंशलवुड ने 1934 में एसिटिक एसिड और मिथाइल आयोडाइड की स्टडी की थी, मैथानोल की स्टडी की थी, तो उस केस में जो आपको मिथाइल एसिटेट मिलता है ये उसकी स्लोप है 2200, और ये आपके पास वंस अगेन इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर और लॉग के का एक रिलेशन शो कर रही है। तमाम ये नेगेटिव स्लोप्स हैं, और जबकि आप इनके रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर का प्लॉट्स देखें तो वो आपको एक राइजिंग कर्व्स दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर का एक बहुत अहम रोल है, इफेक्ट है रिएक्शन रेट पर। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।